गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एंड वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से। आज की वीडियो में हम जिस चीज़ को कवर करेंगे वो है डायगोनल सेक्शन ऑफ एनी इमेज। हमने पिछली दो वीडियोस में जो कंपोजिशन को ब्रेक डाउन करके उसको सिंप्लीफाई करके मतलब बात करने की कोशिश की थी, उसमें सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लेयर सेक्शन था कि कोई भी इमेज हो उसको हॉरिजॉन्टली कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है, लैंडस्केप मोड में हम कैसे डिवाइड करते हैं। दूसरी वीडियो जो हमने की थी उसमें हमने ये बताने की कोशिश की थी कि किस तरीके से सेम इमेज को वर्टिकली डिवाइड करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इमेज आपने मतलब पोर्ट्रेट सेक्शन में लिया हो या लैंडस्केप ओरिएंटेशन में लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपके इमेज के कंपोनेंट्स वर्टिकल हों तो वो इमेज वर्टिकली डिवाइड होंगे। सेम आज हम हॉरिजॉन्टली बात करेंगे कि हॉरिजॉन्टली इमेज कैसे डिवाइड होता है विजुअली, कि हम जब देखते हैं किसी इमेज को तो वो विजुअली कैसे डिवाइड होता है, ठीक है, आज हम इस पर बात करेंगे। लेकिन बात करते हैं इमेजेस को दिखाने से पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम ये जो सीरीज़ बना रहे हैं इसका मतलब कतई तौर पे ये नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ या मैं जो आपसे शेयर कर रहा हूँ ये डेफिनेट रूल्स है, ये डेफिनेट नहीं है। फोटोग्राफी इज़ ऑल अबाउट आर्ट और आर्ट के कोई रूल नहीं होता, गाइडलाइंस होती है। जो रूल्स होते हैं, रूल ऑफ थर्ड या गोल्डन रेशो रूल या जो भी रूल है, ये सारे रूल्स जो हैं ये गाइडलाइंस हैं। ये गाइडलाइंस को आप फॉलो करें फॉलो ना करें ये टोटली आपके ऊपर है। फॉलो करके आप कोई क्रिएटिव शाहकार बनाते हैं ये भी आपका आर्ट है। इन रूल्स को ब्रेक करके भी अगर आप कोई शाहकार बनाते हैं तो ये भी आपका आर्ट है। तो आर्ट के अंदर ना कोई इसकी कोई बाउंड्री नहीं है। सेम हमने जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन की वीडियो बनाई थी, फिर वर्टिकल सेक्शन की वीडियो बनाई, आज मैं आपको हॉरिजॉन्टल वीडियो के सेक्शन बना रहा हूँ। और फ्यूचर में हम बात करेंगे मिक्स कि किस तरीके से वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और डायगोनली हम चीज़ों को लेके चलते हैं। आज की वीडियो में हम मोस्टली फोकस करेंगे डायगोनल सेक्शन पे कि किस तरीके से इमेज विजुअली डायगोनली डिवाइड होता है, उस पर सेक्शंस बनने हो। क्लियरली हम ये देखेंगे कि इमेज चाहे वो वर्ड आपका पोर्ट्रेट मोड में लिया हो या लैंडस्केप मोड में लिया हो, इन दोनों मोड में विजुअली इमेज डायगोनली कैसे डिवाइड होता है हम इस पर बात करते हैं। तो आइए आज हम लेके आपको चलते हैं इमेजेस की तरफ। तो ये जनाब ये है सबसे पहला इमेज और इसमें आप देख सकते हैं क्लियरली, एक जब हम इसको देखते हैं तो ये इमेज क्लियरली जो है ये पूरा का पूरा मैं आपको दिखाता हूँ, हाँ ये इमेज पूरा का पूरा ये डिवाइड हुआ हुआ है, स्ट्रेट अवे ये डिवाइड हुआ हुआ है। यह सारा जो कुछ चल रहा है गेम वो इस तरफ चल रहा है और ये एरिया जो है बिल्कुल प्लेन है। तो ये जो है सेक्शन ये स्ट्रेट अवे डायगोनली डिवाइड हुआ हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा देखूँ तो अगर आप इमेज को दोबारा देखें तो ये मैंने कंपोजिशन ही ऐसी बनाई है कि इस कंपोजिशन में आप स्ट्रेट अवे जब इमेज को देखोगे तो इमेज आपको ऊपर की तरफ और राइट की तरफ, ये ऊपर राइट की तरफ आपको ज़्यादा एक्टिविटी नज़र आएगी कि यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, ये एक्टिविटी हो रही है और यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन मिल रहा है। तो ये इमेज ऑटोमेटिकली इस तरीके से डिवाइड हुआ हुआ है। तो ये एक विजुअली हमारे पास एक डायगोनल वर्चुअल लाइन बन रही है, ठीक है, कोई डेफिनेट लाइन नहीं है लेकिन वर्चुअल लाइन है कि इमेज आपका यहाँ पे और यहाँ पे आपकी नज़रें जा रही होती है। ये एरिया जो है पूरा का पूरा ये खाली है, देयर इज नथिंग। तो ये एक हमारे पास एक डायगोनली इमेज को डिवाइड सेक्शन बनाने के एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, ये एक और एग्जांपल है, इस पे भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये इमेज मैंने जानबूझ के स्क्वायर फॉर्मेट पे लिया है, ये मैंने जानबूझ के स्क्वायर फॉर्मेट पे लिया है बिकॉज मैं अपने आप को क्रिएटिव साइड को पुश करना चाह रहा था कि मैं स्क्वायर फॉर्मेट पे, ये मैंने Z6 से लिया। Z6 के अंदर आपका जो सेंसर साइज होता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने फुल फ्रेम करना है, स्क्वायर बाय स्क्वायर में करना है। तो ये 24x24 स्क्वायर फॉर्मेट पे इमेज लिया, मैंने जानबूझ के लिया था बिकॉज आई वॉन्ट टू सी कि मैं कितना क्रिएटिव इमेज निकाल सकता हूँ स्क्वायर फॉर्मेट में,
बस ये एक मेरी अपनी एक एफर्ट थी। अब इस इमेज को देखें तो आप इस इमेज पे देख सकते हैं कि आप जब इस इमेज को देखें कुछ सबसे पहली नज़र आपकी जाएगी, देखने से पहले आपकी नज़र हो सकता है आपकी नज़र दरख्त को जाए, लेकिन मोस्ट ऑफ लोगों की नज़रें लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे इधर से स्टार्ट होंगी, इस सेक्शन से स्टार्ट होंगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी नज़रें सीधा दरख्त की तरफ जाएंगी। ठीक है, तो ये एक वर्चुअल लाइन बन रही है, एक काइंड ऑफ अ डायग्राम कि जो स्ट्रेट अवे यहाँ पे लेके जा रही है। तो ये एक वर्चुअल लाइन है जो इमेज को डायसेक्ट कर रही है डायगोनली। तो ये एक और बेहतरीन एग्जांपल है कि किस तरीके से आप अपने इमेज को डायगोनली बना सकते हैं। अच्छा, मज़े की बात ये कि अभी आप इसको डायगोनली डिवाइड करते तो चाहे आप इधर देखें या चाहे इधर देखें, ये दोनों मोर और लेस सेम है, मतलब विजुअली आँखों में इन दोनों का इम्पैक्ट सेम ही आ रहा है। कहीं ऐसा नहीं हो रहा कि हमें हम ये बोले कि यार वो एरिया जो ये नंबर वन ये जो एरिया है ये थोड़ा सा डोमिनेंट है या नंबर टू एरिया डोमिनेंट है, ऐसा कुछ फील हो नहीं रहा है हमें। हमारा इमेज बिल्कुल बहुत सिंप्लीफाइड है और बहुत क्लियर है, जो कि ये दिख रहा है कि ये इमेज स्ट्रेट अवे एक वर्टिकल लाइन जो है उस पर डिवाइड होकर ये इमेज बन रहा है। नेक्स्ट इमेज की तरफ आते, ये एक और इमेज है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मैंने पोल्स, ये जो स्ट्रीट पोल है, स्ट्रीट पोल को यूज़ करके ये एक लाइन बनाई है जो आपके इमेज को क्लियरली डिवाइड कर रही है। तो ये भी एक डायगोनल लाइन है जो आप, मैंने जैसे कि आपको बोला है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने लिटरली लकीरी खींचनी है, आप कोई भी सब्जेक्ट्स को यूज़ करके बना सकते हैं। कोई विजुअली आपके एलिमेंट्स ऐसे मिलते हैं आपके फ्रेम में कि जो ऐसे प्लेस होते हैं कि आपको एक डायगोनल लाइन मिल जाती है। तो यहाँ पे स्ट्रीट पोल मुझे ऐसे मिले, हालांकि अगर आप देखें तो स्ट्रीट पोल यहाँ से ऊपर से स्टार्ट होके नीचे हो गई है, यहाँ पे भी बेंट होके फर्दर जा रहे हैं, लेकिन आपकी जब नज़रें टॉप लेफ्ट से नीचे आना शुरू होंगी तो आपकी नज़र सीधा स्ट्रेट लोअर राइट पे ये सूरज पे आकर रुकेगी। तो ये विजुअली आपने फ्रेम ऐसा बनाना है कि जो कभी भी कोई भी बंदा है आपका इमेज देखे तो वो देखे कि कहाँ से उसकी नज़रें चल रही हैं, कहाँ आके ख़त्म हो रही है। हालांकि स्ट्रीट पोल्स जो हैं वो आप, मैंने एरो बनाया है कि वो यहाँ पे आके जो स्ट्रीट पोल्स हैं वो यहाँ से आके ये चले गए, ख़त्म हो गए, नीचे फ्रेम में गुम हो गए, लेकिन आपकी आँखें टॉप राइट से शुरू होकर सूरज पर ही आके ख़त्म हो रही है। आपको ये एरिया जो है ये नहीं दिख रहा, आपको सिर्फ सूरज दिख रहा है। तो दिस इज़ या अनदर गुड एग्जांपल कि आपने कंपोज शॉट ऐसे करना है कि डायगोनल लाइंस ऐसी बने कि वो सीधा आके उस पॉइंट पे आके ख़त्म हो जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सूरज है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये बड़ा मेरा मशहूर इमेज रहा है, इसमें मैं, ये टोटल इत्तेफाक है, दुबई में बिजनेस पे ब्रिज है, उस बिजनेस पे ब्रिज के नीचे हम गए, हमें शूट करना था, ये मेल मॉडल है, इनका शूट करना था। अब ये गए हैं तो मुझे कुछ नहीं बोला, मुझे सिर्फ ये जो है ये लाइन दिखी और मैंने इमीडिएटली बंदे को बोला कि जाके यहाँ खड़े हो जाओ और यहाँ पे खड़े हो जाओ और मुझे मैं शॉट लगाए। ये एक और एग्जाम्पल है स्केलिंग की, लेकिन हम बाद में कवर करेंगे, लेकिन जो यहाँ पे लाइट ने जो रोल प्ले किया वो इमेज को स्ट्रेट अवे एक जो ब्रिजेस के दरमियान जो गैप था उस गैप ने लाइट की स्ट्रीक आई और इमेज को डायगोनली डिवाइड कर दिया। तो दिस अनदर ग्रेट एग्जांपल ऑफ हाउ टू डिवाइड इमेज इन डायगोनली। ठीक है, तो ये इस पर आप अगर आप इमेज को देखो तो ये जो टॉप का एरिया है ये आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, लोअर लेफ्ट है ये भी आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे जो मॉडल है ये स्केलिंग के लिए यूज़ हो रहा है कि इससे पता चलता है कि ये दिस एरिया इज़ सो ह्यूज, दिस एरिया इज़ सो ह्यूज, तो इंसान को खड़ा करके एक स्केलिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो ये मैंने जस्ट क्विकली आपको बता दिया, स्केलिंग पे हम बाद में कभी बात करेंगे, लेकिन ये जो डायगोनल लाइन है दिस इज़ अनदर गुड एग्जांपल। नेक्स्ट इमेज की हम बात करते हैं, ये एक और क्लासिक एग्जांपल है, इसमें डायगोनल एक नहीं कुछ चार लाइन है। आइए हम देखते हैं एक एक करके। पहली डायगोनल लाइन तो हमें स्ट्रेट अवे ये मिल रही है भाई जो सेंटर की तरफ जा रही है, दूसरी डायगोनल लाइन एक ही मिल रही है जो सेंटर की तरफ जा रही है, ये तीसरी डायगोनल लाइन जो है ये आपका मेट्रो ट्रैक है उसकी आ रही है, चौथी लाइन जो है वो ये आ रही है ये बिल्डिंग्स की। तो अनदर क्लासिक एग्जांपल के जिसमें चार लाइनें सेंटर की तरफ
आपकी आई है एंड इट शोज आपकी आपकी आंखें, चाहे आप किसी भी कोने पे लेकर चले जाएं इस इमेज की डायगनली, ये इमेज आपको सेंटर पे लेके जा रहा है। अगर मैं इसको वर्चुअली देखूं, मैं एक दफ़ा दोबारा देखूं, तो ये एक लाइन डायगनली डिवाइड हुई और एक ये लाइन डायगनली डिवाइड हुई। तो इसने इमेज को कितने हिस्सों में डिवाइड कर दिया, चार हिस्सों में, 1, 2, 3, 4। तो चार लाइंस हैं जो एक्चुअली आपको दो सम अप कर रही हैं, बिकॉज ये चारों आके सेंटर में रुक मिल रही हैं। ठीक है, एक ये लाइन आई ट्रैक की, फिर एक ये लाइन आई बिल्डिंग की, फिर एक ये लाइन आई फुटपाथ की, फिर एक ये लाइन आई पार्किंग जो साइन बने हुए रोड के ऊपर। तो ये चार लाइनें मिलके आप एक्चुअली इमेज को चार हिस्सों में डिवाइड करें, लेकिन दे ऑल डायगनली। तो एक ये एक कंपोजिशन में एक और ये एग्जांपल है जिसमें आप इमेज डायगनली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल एक और है। ये एक्चुअली ये जो एग्जांपल मैंने सेलेक्ट किया, मैंने जानबूझ के किया, हालांकि ये क्लासिक एग्जांपल है सिलुएट और शेडो की, कि एक इमेज में सिलुएट्स और शेडोज आप कैसा लग सकता है। लेकिन जब आप इस इमेज को देखते हैं तो आपका आँख ऑटोमेटिकली यू करके, आप बोलते हैं यार ये इमेज यू करके डिवाइड हो जाता है कि ये सिलुएट है, ठीक है, और ये जो बन रहा है ये शेडो बन रहा है। तो सिलुएट और शेडो मिलके एक ये इमेज लाइन उन्होंने बना दिया। तो इधर से अनदर क्लासिक एग्जांपल जिसमें आप कह सकते हैं कि यार मैंने सिलुएट और शेडो को इस तरीके से मैंने यूज़ किया है कि मेरा इमेज जो है ये एक डायगनल वर्चुअल लाइन बन रही है। अगर आप दोबारा देखें इसको तो ये आपकी एक लाइन वर्चुअली बन रही है, सिलुएट्स और जब मतलब जो दरख्त है, दरख्त का सिलुएट और ज़मीन पर जो उसका शेडो बन रहा है, वो ये दोनों मिल के एक आपकी वर्चुअल लाइन बना रही है। तो ये एक और एग्जाम्पल है डायगनली की। ये तो खैर इट्स सो ऑब्वियस, ये रेनबो मुझे दिखा और ये रेनबो इस तरीके से आपकी एक एग्जांपल एक लाइन बना रहा है जो डायगनली आ रही है नीचे से, लोअर लेफ्ट से अपर राइट की तरफ। ठीक है, अनदर क्लास एग्जांपल, इसमें मैंने इस पौधे को पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने कॉम्पोजिशन ऐसी बनाई कि रेनबो जो है वो पौधे से निकल रहा है और वो टॉप राइट की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो मतलब ये पौधे से निकला और वो मूव हुआ टॉप राइट की तरफ, लोअर लेफ्ट से टॉप राइट की तरफ। तो ये एक और इमेज को उसने इधर डिवाइड कर दिया और इस तरफ, तो इस तरफ डिवाइड कर दिया। तो एक इस अनदर एग्जांपल कि हाउ यू कैन डिवाइड यू इमेज इनटू डायगनली यूजिंग फोरग्राउंड सब्जेक्ट्स और बैकग्राउंड सब्जेक्ट्स। इसमें फोरग्राउंड सब्जेक्ट क्या है, इसमें फोरग्राउंड सब्जेक्ट ये पौधा है, बैकग्राउंड सब्जेक्ट क्या है, इसमें यह रेनबो है। मैंने इन दोनों को ऐड करके एक डायगनल लाइन बना दी जो ऊपर से नीचे तक जा रही है। तो ये अनदर एग्जांपल। फिर एक और हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, ये इट्स वेरी क्लियर, सूरज डूब रहा था इस एग्जांपल में, सूरज डूब रहा है और ये पहाड़ी है। मेरा इरादा ये था कि मैं इसको ऐसे बनाऊँ कि ये सूरज यहाँ पे और ये रोल होता हुआ नीचे आ रहा है। तो ये ऐसे मैंने कि सूरज जो है वो रोल होता हुआ पहाड़ी से नीचे आ रहा है यहाँ पे, ऐसे मेरी ये इंटेंशन थी। मैंने कंपोजिशन ऐसी बनाई है इसकी कि सूरज टॉप से टॉप राइट से रोल होता हुआ लोअर लेफ्ट की तरफ आ रहा है। तो ये कंपोजिशन है इसमें, तो इसमें भी ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि ये पहाड़ी की एज है, इसने इमेज को डिवाइड कर दिया। अगर आप उसको दोबारा देखें तो इट्स वेरी सी कि ये जो चीज़ें थे और डायगनली इमेज को डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट एक हम एग्जांपल देखते हैं, ये सेम वही ब्रिज है, बिजनेस बे का ब्रिज। हाँ, मैंने आपको पहले एग्जांपल दिखाई थी, ये हबीबुल्ला कुरैशी हमारे फेमस मॉडल मल्टी स्टार, इनको इमेज वही साया जो ब्रिज का बन रहा था उसको डिवाइड करा है मैंने और एक इंटरेस्टिंग इमेज बनाया कि जिसमें आपका यहाँ पे लाइट और यहाँ पे शेडोज। तो लाइट और शेडोज जो हैं इन दोनों को फ्रेम में रखा है, लेकिन मॉडल को ऐसा प्लेस किया है कि वो लाइट में भी है और शेडो में भी है। ठीक है, ज़्यादा लाइट में रखा है, तकरीबन 80% लाइट में, क्योंकि आई वांट टू शो हिज पर्सनालिटी। और मतलब ये एरिया लाइट में और ये जो एरिया है ये शेडो के अंदर है कि ही इज़ ट्राइंग टू गेट आउट फ्रॉम द शेडो इनटू द लाइट, एक ये मैसेज है। तो
डायगनल लाइट को यूज़ करके हमने इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग कंपोजिशन बनाई है। हम दोबारा देख लें तो ये एक लाइट बन रही है, लाइट्स और शेडोज की, ठीक है। ये एक एग्जांपल है। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये एक अनदर एग्जांपल है जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने Z7 से मिली शॉट लिया था स्टैंड के ऊपर, और यहाँ से मैं एक्चुअली चल के जाके मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था और मैं जाके वापस आया हूँ। जब वापस आके मैंने दोबारा देखा तो मुझे नज़र आई, तो मैंने एक फ्रेम बनाया और शॉट लिया। इसमें ये फुट स्टेप्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये क्लियर आपको दिखा रहे हैं कि भाई मैं एक बंदे ने यहाँ से चलना शुरू किया और टॉप तक गया। तो ये जो स्टेप्स जो हैं ये एक लाइन बना रहे हैं डायगनली इमेज को, स्ट्रेट अवे उन्होंने एक इस पोर्शन में और इस पोर्शन में डिवाइड कर दिया। अनदर एग्जाम्पल मैंने दिखा था, देखिए ज़रूरी नहीं है कि आपने लकीरी खींचनी है, कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट्स की प्लेसमेंट हो सकती है, स्टेप्स हो सकते हैं, गाड़ियों ऐसी खड़ी हो सकती है, खिड़कियाँ हो सकती है, पौधे हो सकते हैं, नेचर की कोई चीज़ हो सकती है, एक्स वाई जेड। लेकिन जब आपने कैमरा ऐसे रखना है कि चीज़ें ऐसी प्लेसों को जो डायगनली इमेज को डिवाइड करें, तो फिर बात बनती है, फिर आप कहते हैं हाँ यार मैंने विजुअली इमेज को डायगनली डिवाइड किया, ठीक है। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। बड़ा मैं सुबह जा रहा था फुजैरा सनराइज शूट करने के लिए, तो वहाँ पे ये मुझे इमेज दिखा, और ये इसमें दो डायगनल लाइंस हैं, अलग एक कर्व है। अगर आप देखो तो ये इट्स अ कर्व जो यूज आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको तरीके से देखूँ तो ये दो डायगनल लाइंस हैं, एक ये डायगनल लाइन जा रही है और ये जा रही है, तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रही है, तो मेरे इस तस्वीर में दो डायगनल लाइंस हैं, ठीक है। और लेकिन अगर आप इसको वैसे देखें तो ये एक्चुअली काइंड ऑफ अ कर्व, लेकिन मैं इसको डायगनल की दो लाइंस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज विजुअली दो डायगनल लाइंस मिलके ऐसे चीज़ बना रही कि जो आंखों को बड़ी इंटरेस्टिंग, माइंड को बड़ा इंटरेस्ट फील करती है, कराती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, ये ब्लैक एंड वाइट इमेज है और इसमें आप बोलोगे यार इस पर डायगनल लाइन कहाँ है, बिल्कुल है इस पर डायगनल लाइन, और अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ डायगनल लाइन ये रही, जो पत्थरों की प्लेसमेंट है इसने डायगनल लाइंस को एक वर्चुअली बनाया हुआ है, और आप क्लियर देख सकते हैं कि ये पूरा एरिया जो है दीज आर ऑल रॉक्स, ठीक है, और ये जो पूरा है ये वाटर, ठीक है। तो प्लेसमेंट थी, फ्रेम ऐसा बनाया कि जिसने रॉक्स ऐसी थी कि उन्होंने एक मेरी फॉर्मेशन ऐसी बनाई और मैंने शॉट लिया, तो इट लुक्स रियली ग्रेट, इमेज क्लियरली 200 में डिवाइड हुआ है। तो मज़े की बात क्या है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल डायगनल लाइंस होती हैं, ये यूजली इमेज को 200 में स्प्लिट कर देती है। अब आपके ऊपर है कि आपने कैसे करना है। पिछली एग्जांपल्स में डायगनल लाइंस थी कई सारे इमेजेस में मेरे, लेकिन इमेज बैलेंस था दोनों तरफ, आइडियल सैंड की एग्जाम्पल थी। मैं अगर दिखाता हूँ सैंड की एग्जाम्पल, ये इस पर जब मैंने इमेज को डिवाइड किया था, इस पे मैंने जो इमेज को डिवाइड किया था, तो ये जो डिवाइड किया था तो ये एरिया और ये एरिया दोनों बराबर है, ठीक है, कोई फर्क नहीं है। तो लेकिन आपकी ये जो नेक्स्ट ये वाली जो एग्जांपल आई है, इसके अंदर इमेज जो है वो डिफरेंट डिवाइड हुआ है, इधर रॉक्स आ रही है और इधर पानी आ रहा है, दो डिफरेंट एंटिटी है नेचर्स की, तो ये भी हो सकता है। लेकिन आपने फ्रेमिंग कैसे करनी है कि इमेज डायगनली डिवाइड हो, इट्स अप टू यू। अच्छा, मैं थोड़ा परेशान था, मैंने कहा मैं इस इमेज को लूँ या ना लूँ डायगनल में, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया क्योंकि मुझे ये इमेज लग रहा है कि ये डायगनल है। हो सकता है आप लोग बोले यार ये तो काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल है, लेकिन इट्स मोर काइंड ऑफ अ डायगनल कि ये टॉप, ये थोड़ा अपर राइट से लोअर लेफ्ट की तरफ आ रहा है इमेज, ठीक है, ये स्ट्रेट नहीं है लाइन, तो मैंने इसलिए इसको इंक्लूड कर लिया एग्जांपल्स पे। और क्लियरली इधर सैंड है और इधर स्काई है, इधर हमारा एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट है रूल ऑफ थर्ड के मुताबिक जो कि दरख्त है, तो ये एक एग्जांपल और है डायगनल की जो मैंने ली है।
अच्छा इसमें एक नहीं, इसमें मल्टीपल डायगोनल लाइंस हैं, आइए देखते हैं। और ये तस्वीर मैंने जानबूझ के इंक्लूड की है। पहली डायगोनल लाइन एक ही आ रही है, एक ही आ रही है, ठीक है। फिर एक ये आ रही है आपकी लाइन, फिर एक आपकी लाइन ये यहाँ पे क्रिएट हो रही है, फिर एक ये क्रिएट हो रही है, और ऑटोमेटिकली आप एक्सपेक्ट करते हैं कि एक यहाँ से भी आ रही होगी, क्योंकि एक्चुअली ये है जो ये आ रही है इस तरीके से। तो इस तस्वीर में मल्टीपल डायगोनल लाइंस आ रही हैं। अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि डायगोनल लाइन अगर तस्वीर के एक कोने से शुरू हो रही है तो वो यहाँ पे दूसरे कोने पर, मतलब नहीं, इट कुड बी फ्रॉम हेयर टू हेयर, इट कुड बी फ्रॉम हेयर टू हेयर, मतलब इट कुड बी फ्रॉम एनी वेयर। मतलब ज़रूरी नहीं है कि तस्वीर अगर डायगोनल है तो वो यहाँ से शुरू होगी और यहीं पर आके ख़त्म होगी, नहीं 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 नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। हो सकता है वो यहाँ से यहाँ हो, सकता है वो यहाँ से यहाँ हो, सकता है वो ये हो सकता है वो ये हो सकता है वो इतनी हो सकता है वो ये हो। तो इट डिपेंड्स, इट ऑल डिपेंड्स। लेकिन विजुअली आपको दिख रही है तस्वीर में, उसकी डोमिनेंसी है तस्वीर में, उसके वजन है उस लाइंस का, उस विजुअल अपीयरेंस का, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो जैसे कि ये वाली जो लकीर मैंने बनाई है, इसकी इतनी अहमियत नहीं है। ये जो लकीर है, ये जो लकीर है, यहाँ से आके यहाँ ख़त्म हो गई, फिनिश। ये यहाँ से आई और यहाँ ख़त्म हो गई, फिनिश। ये यहाँ से स्टार्ट हुई और ये यहाँ ख़त्म हो गई, डन, ठीक है। ये यहाँ से शुरू हुई, ये यहाँ ख़त्म हो गई, इसका कोई अपीयरेंस नहीं आ रही है। ये यहाँ ख़त्म हो गई, ये यहाँ ख़त्म हो गई, दैट्स इट। ये यहाँ पे ख़त्म हो गई, दैट्स इट। तो ये मल्टीपल डायगोनल लाइंस है। ये तस्वीर मैंने जानबूझ के लिखी थी, बिकॉज आई वांट टू शो यू कि यार देखो, डायगोनल लाइंस की ज़रूरी नहीं है कि एक ही बड़ी लकीर हो, मल्टीपल्स भी हो सकती है। तो ये उसकी बेस्ट एग्जांपल मुझे लगी थी आपको दिखाने के लिए। ये भी मैंने जानबूझ के एग्जांपल लिखी थी। इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक ये लाइन आ रही है डायगोनल, फिर एक ये लाइन आ रही है, एक ये लाइन आ रही है, एक ये लाइन आ रही है, ये आ रही है, ठीक है। एक ये हल्का सा टच है डायगोनल का। ये मैंने जो फैशन वाला कैमरा ZFC, उसको मैंने 200-500 लेके यूज़ किया था, और ये फ्रेमिंग मैंने जानबूझ के ऐसी ही बनाई थी क्योंकि मुझे ये इंटरेस्टिंग लग रही थी कि मल्टीपल लाइंस क्रॉस हो रही हैं फ्रेम में, और उसमें आपका एक है ना बर्ड जो है वो बैठी हुई है। तो ये आपको विजुअली आपको बता रही कि अलग, ये एम्प्टी है, लेकिन यहाँ पे आपको ये दो ब्रांचेस दिख रही हैं और ये बैलेंस हो रहा है इससे। तो ये हम बाद में बात करेंगे कि बैलेंसिंग क्या होती है। तो ये एक और एग्जांपल है डायगोनल्स की। अच्छा ये भी डायगोनल लाइंस की है। इस पे एक भी नहीं, इसमें तो कई सारी आ रही है। ये आ रही है लाइन जो आपको येलो लाइंस आपको बहुत डोमिनेंस कर रही है कि ये लोअर लाइट से इधर आ रही है। एक आपको यहाँ पे डायगोनल दिख रहा है, ठीक है। एक यहाँ पे वर्चुअल ये इन बिल्डिंग्स की हाइट से दिख रहा है। तो अगेन इस पे यही एग्जांपल। अच्छा ये आप बोलेंगे यार ये क्या है, इट्स एन एक्सेप्शन, ये कहीं फिट नहीं हो रहा था। लेकिन मेरे लिए इंटरेस्ट ये था कि ये जो नीचे से ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है ये मर्ज हो रहा है सेंटर में, और ये एक आई लाइन और एक लाइन ये उसको बैलेंस करें। सो कभी कभार एक्सेप्शन हमें लेने पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, इट्स अ परफेक्ट एग्जांपल डायगोनल की। ये एन दुबई है, बहुत दुनिया का सबसे बड़ा फेरस व्हील, ठीक है। और हर कोई इसकी पूरे फेरस व्हील की तस्वीरें ले रहा था, मैंने नहीं ली क्योंकि फिर मेरे और दूसरों लोगों के काम में फ़र्क क्या रह जाएगा। मैंने जानबूझ के ये फ्रेम बनाया 500 mm पे आर्क, मुझे आर्क परफेक्ट चाहिए था, परफेक्ट। और आप देख सकते हो कि ये इतना परफेक्ट है कि ये जितना फासला आपको यहाँ दिख रहा है उतना ही फासला ये यहाँ पे है। मतलब मैंने तकरीबन 50-60 फ्रेम लिए होंगे तब जाके मैंने ये एक फ्रेम सेलेक्ट किया है। मतलब मैं इतना प्रिसाइज, हैंड हेल्ड नहीं है, ट्राईपॉड पे लिया था, बिकॉज आई वांट परफेक्शन थी। हाँ मैंने इस तरीके से शॉट लिया था ट्राईपॉड पे। लेकिन इसमें आप देख सकते हो कि यार ये इमेज पूरा डिवाइड हुआ हुआ है डायगोनली। कंपोजिशन ऐसी है उस फेरिस व्हील की कि आर्क ऐसा बनाए कि उसने इमेज को स्ट्रेट अवे तो उससे मैं डिवाइड कर दिया। ये एम्प्टी है और ये उसके व्हील्स की स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। विजुअली आपका डायगोनली इमेज डिवाइड हुआ है। अच्छा ये सेम है दुबई है, ये मॉडल शूट कर रहे थे हमारे फेवरेट, हमारे बहुत अच्छे आर्ट दोस्त हैं, अबू धाबी में रहते हैं, उनका बाइक का शूट था।
उन्होंने बोला यार बाइक का शूट है। मैंने कहा अच्छा चलो बाइक का शूट करते हैं। बाइक का शूट कर रहे थे, मुझे पीछे एन दुबई दिखा। मैंने उनको बोला कि मैंने कहा इनका नाम उमेर है। मैंने उमेर को बोला, मैंने कहा उमेर आप पीछे जाएँ और यहाँ पे खड़े हो जाएँ। वो खड़े हुए, मैंने उनको बोला आप ऐसे पोज दें, उन्होंने ऐसे पोज दिया। लेकिन कॉम्पोजिशन मैंने ऐसे बनाई कि आपकी नज़रें स्ट्रेट अवे इसमें यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएंगी। तो ये जो पार्ट है एन दुबई का, फेरिस व्हील का, ये इस तरीके से आ रहा है कि आपकी नज़रें यहाँ से स्टार्ट होंगी और ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएंगी। तो अगर उसको मैं दोबारा देखूँ कि हाँ लेट्स से कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया आँख देखना और ये आते आते आपने कहा वो अच्छा ये है मेन इंटरेस्ट। अच्छा एक मजे की बात ये, एक लाइन यहाँ से भी आ रही है, ये और इसके दरमियान भी आ रही है, लेकिन ये इतनी विजुअली डोमिनेंट नहीं है। आपकी नज़रें इधर पहले पहुँच रही हैं, टॉप लेफ्ट पे, इधर टॉप राइट पे नहीं आ रही है, टॉप लेफ्ट पे जा रही है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रक्चर पीछे ऐसा है, पता है कि वो फेरिस व्हील है। फेरिस व्हील में हर कोई डब्बों की तरफ देखता है, वो सेंटर की तरफ नहीं देखता। तो यहाँ पे सेंटर की तरफ कोई भी नहीं देख रहा, सेंटर की तरफ कोई भी नहीं देख रहा, हर कोई इधर देख रहा है और इधर से ही आपकी नज़रें आ रही हैं इधर। तो ऑटोमेटिकली आपका जो एक विजुअल है वो यही बन रहा है, वह डायगोनल लाइन। ठीक है, ये मेरे पर्पसली एक ऐसी कॉम्पोजिशन बनाई थी। अच्छा भाई, अब ये डायगोनल लाइंस कैसी है, इसमें एक नहीं इसमें कई सारी डायगोनल लाइंस हैं और ये भी मैंने जानबूझ के इमेज को सेलेक्ट किया। एक ये लाइन बन रही है मेरी, एक ये लाइन बन रही है, फिर ये भी है, ये भी है, और इसको बैलेंस कर रहा है ये बुर्ज खलीफा। तो ये मल्टीपल डायगोनल लाइंस हैं जो फ्रेम के डिफरेंट पोर्शंस में आके उसको डिवाइड कर रही हैं स्ट्रेट अप। ये मैंने खुद एग्जांपल सेलेक्ट की, नहीं है मेरी एक्स बॉस सानिया। ये ऑफिस में बैठी हुई थी, मैं इनके कमरे में गया, मैंने सिर्फ लाइट देखी और इनका ड्रेस देखा। मैंने बोला मैं आता हूँ, मैंने सलाम नहीं किया, मैं गया और कैमरा लेकर आया। और क्योंकि जो शेडो आ रहा था खिड़की से, लाइट से क्रिएट होकर जो शेडो आ रहा था, मैंने कहा मुझे कॉम्पोजिशन बनानी है। तो ये मैंने कॉम्पोजिशन बनाई और इसमें स्ट्रेट अप जो आपको डोमिनेंसी दिख रही है वो ये दिख रही है कि इस तरीके से ये जो लाइट, ये जो है सेक्शन खिड़की का, एक शेडो क्रिएट कर रहा है और ये एक लाइन बना रहा है इस तरफ से। तो ये विजुअली एक लाइन बन रही है जो इमेज को इस हिस्से में और इस हिस्से में डिवाइड कर रही है स्ट्रेट अप। अगर मैं इसको दोबारा प्लेस करूँ तो स्ट्रेट, इनके हाथ की पोजिशन, इनकी बॉडी पॉस्चर ऐसा है कि ये पूरा एक वर्चुअल लाइन बन रही है डायगोनली जो इमेज को इस हिस्से में और इस हिस्से में डिवाइड कर रही है। लाइट, शेडोज, बॉडी पोस्चर, ये ऐसे मैंने इसको बनाया। तो ये भी एक एग्जांपल है डायगोनल सेक्शन में डिवाइड करने की इमेज को। ये तो क्लासिक एग्जांपल है, इसमें तो कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। पहाड़ियों की फॉर्मेशन ऐसी बन रही है कि ये स्ट्रेट इमेज पहाड़ियाँ और ये स्काई में डिवाइड हो गया और ये चांद निकल रहा है यहाँ से। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक क्लासिक एग्जांपल है डायगोनल की। नेक्स्ट, अच्छा ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। मैं किसी जगह पे विजिट पे गया था मिलने के लिए, मैं वहाँ से आया तो ये रोड पे जो शेडो बन रहा था इसने मुझे इमेज लेने पर मजबूर कर दिया। और मैं दुआ कर रहा था कि कोई गाड़ी आ जाए, इत्तेफाक से गाड़ी आई है तो कुछ भी नहीं है, ये एक आपकी स्ट्रेट एक डायगोनल लाइंस बन रही हैं जो इमेज को डिवाइड कर रही हैं स्ट्रेट अप। अनदर एग्जांपल ऑफ डायगोनली, यहाँ पे ये लाइट और शेडो सिल्वर्स मिलके बना रहे हैं। ये रोड का एज है, ये रोड की साइन है, ये फुटपाथ है। तो इसने इमेज को डायगोनली सेक्शन में मुख्तलिफ डिवाइड कर दिया और जो आपको इस कार की तरफ मरकूज कर रही हैं आपकी नज़रें कि ये लाइन व डायगोनल लाइंस आपकी सीधा स्ट्रेट अवे कार की तरफ जा रही है। तो दिस इज अनदर एग्जांपल, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट अप एग्जांपल है। जहाज़ गुजर रहा था, मैंने फ्रेम ही ऐसा बनाया कि मैंने टॉप लेफ्ट से
उसका जो ट्रेल है इंजन के स्मोक का, वो यहाँ टॉप लेफ्ट से स्टार्ट किया ऑल द वे स्ट्रेट एग्जांपल डायगोनल की। ये सेम वही एग्जांपल है कि पहाड़ियाँ, ये सूरज गुरूब हो रहा है, ये सिल्वेट मैंने कैप्चर किया, लेकिन ये जो लाइन बन रही है ये स्ट्रेट आ गई है, ये बता रही है कि भाई ये इमेज यहाँ पे डिवाइड हुआ हुआ और यहाँ पे डिवाइड हुआ हुआ है, और इस डिवीजन में ये जो सूरज है दैट्स द मेन एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जो किसका सिल्वेट, जो ये जो एक्चुअली ये जो बिजली का खंभा है, इस बिजली का खंभे का सिल्वेट बन रहा है सूरज पे, क्योंकि सूरज गुरूब हो रहा है ये, ठीक है। तो इमेज आपका इस पहाड़ी की वजह से ये डायगोनली डिवाइड हो गया। तो आई बिलीव दैट्स द लास्ट इमेज, यानी इसके बाद एक और है। हाँ, ये लास्ट इमेज है, ये एक दरख्त का इमेज है, मैंने पूरा दरख्त का शॉट लिया, उसमें से ये जो टहनी थी ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लंबी और बाहर की तरफ निकली हुई थी। तो मेरा इंटरेस्ट इस इमेज ने लिया, मैंने कुछ 4-5 शॉट्स लिए, और मेरा इरादा ही यही था, क्योंकि ये कर्व ऐसी खा रही थी कि मैंने कहा इसको हमने कैप्चर ही ऐसे करना है कि टॉप राइट से शुरू हो और जो कि लोअर लेफ्ट की तरफ आए, तो आपका इमेज एक काइंड ऑफ अ डायगोनल लाइन से, हालांकि कर्व है लेकिन कर्व भी इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ डायगोनल अगर हम इसको विजुअली देखें, क्योंकि ये इमेज यहाँ पर डिवाइड हो गया, एक इमेज यहाँ पर डिवाइड हो गया, कर्व भी इमेज को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है कि नहीं। ज़रूरी नहीं है कि अगर डायगोनल लाइंस की मैं बात करूँ तो डायगोनल लाइन बिल्कुल स्केल रख के किसी ने खींची हो, ये भी नहीं, स्केल इट्स नॉट नेसेसरी। अगेन वही, फोटोग्राफी इज एन आर्ट फॉर्म, आर्ट फॉर्म में आप एक्सेप्शंस कर सकते हैं, 19-20 हो सकता है, लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आ रहा है, ओवरऑल आपकी आंखें देख क्या रही हैं, क्या ये दरख्त ऊपर से नीचे जब आ रहा है तो यहाँ पे कुछ बन रहा है, यहाँ पे कुछ बन रहा है, ये देखा जाता है। तो ये चीज़ होती है, और आपको इन एग्जाम्पल्स के थ्रू आज की वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की कि देखें डायगोनल लाइंस जो होती हैं ये कुछ भी हो सकती है, कुछ भी प्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स, इट कुड बी नेचर, इट कुड बी रेनबो, इट कुड बी जहाज, ठीक है, इट कुड बी बिल्डिंग्स, इट कुड बी रोड, इट कुड बी एनीथिंग। आप पेशा खुद अपने हाथ से प्लेसमेंट चीज़ों की ऐसी करें कि विजुअली इमेज डायगोनली डिवाइड हो। और ये ज़रूरी नहीं है कि डायगोनल लाइन अगर की बात हो रही है तो डायगोनल लाइन फ्रेम के ऊपर से शुरू हो नीचे ख़त्म हो, मतलब ऊपर से शुरू हो नीचे ख़त्म हो, ये भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि वो सिर्फ इमेज के सिर्फ इस पोर्शन में हो, मतलब अगर हम बात करें कि वो इमेज के इस पोर्शन में हो या इस पोर्शन में हो या थोड़ा इस पोर्शन में हो, इट कुड बी एनीथिंग एज लॉन्ग एज अगर आपकी नज़रें पीछे खड़े होकर अगर आप देखें 5 फुट के फासले पे और फिर आप देखें इमेज को और बोले हाँ यार ये लग रहा है कि ये इमेज दो हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है डायगोनली, तो वो डायगोनल लाइन। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में आप लोगों ने एग्जांपल्स को देख के काफ़ी कुछ समझने की कोशिश की होगी कि विजुअली हम इमेज को डायगोनली कैसे डिवाइड कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में हम हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन और डायगोनल सेक्शन, इन सब को मिक्स करके बात करेंगे, वो और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होगा। फिर हम और फर्दर इस तरीके की वीडियोज़ बनाएंगे जिसमें हम स्टैटिकली आपको ये बताने की कोशिश करें कि कंपोजिशन में आप हॉरिजॉन्टल सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन, डायगोनल सेक्शन या इनको मिक्स करके, इन तीनों को मिक्स करके अपनी कंपोजिशन को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एग्जांपल्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह बात होती है। अल्लाह हाफिज़।